वेलकम बैक, रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। भारत स्वच्छता अभियान में रियल एस्टेट कंपनियों ने भी हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के डेवलपर गौर सन्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे गौर सिटी में जीरो गार्बेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे यहाँ पर एक भी कूड़ा इस हाउसिंग सोसाइटी से बाहर नहीं निकलता है। क्या है सिस्टम और इससे क्या है फायदे, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार का अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इसकी शुरुआत यहां हो चुकी है और शुरुआत करने वाला डेवलपर गौर सन्स है। हमारे साथ हैं गौर सन्स के डायरेक्टर। मैम, ये बताइए कि इसकी शुरुआत जो हुई है, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? हमारा इसके साथ यही मकसद था, जैसे कि केंद्र सरकार मोदी जी का अभियान चल रहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और हमने सोचा कि हम क्यों नहीं उनके साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी गॉड सिटी है, हमने यहाँ पे अभियान स्टार्ट किया। दिस इज जीरो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी हमारी सोसाइटीज है, जिसका जितना भी गार्बेज है, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पे GC4 में 400 फैमिलीज रह रही हैं, और पर फैमिली अगर हम देखा जाए तो गार्बेज हाफ के जी आ रहा है। उस हाफ के जी और इनटू 400 फैमिलीज का 400 के जी कूड़ा जो है, हम डेली मॉर्निंग तब उसको हम जीरो वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट की कोई लैंड यूज नहीं कर रहे हैं, कोई हम लैंड फिल्स के पास नहीं जाते हैं। जितना भी ये सारा प्रोग्राम है, हम वहीं के यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए हमने बेंगलोर की कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी है। यहाँ पे मशीन्स लगाई गई हैं बेसमेंट के अंदर, और बहुत हाइजीनिक वे में इसको किया जा रहा है। सबसे बड़े जो मेन पॉइंट था कि किस तरीके से इसे किया जाएगा, एंड दिस इज़ अ रियली अ वंडरफुल प्रोग्राम, बिकॉज इसके अंदर हम सारी सोसाइटीज से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके लाते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं वेट एंड ड्राई में। वेट कूड़ा जो है सारा इस मशीन्स में डाला जाता है, जो 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, जिसे हम लैंडस्केपिंग में यूज़ करते हैं। और जितना भी ड्राई कूड़ा है, जो रैक पिकर्स लगे हैं, उसको जाते हैं मार्केट में, उसको सेल करते हैं, जैसे कागज़ है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, जैसे पॉलिथीन है, कागज है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, माना जा रहा है कि यहाँ पर 1000 के करीब फैमिली आ चुके हैं, और आने वाले समय में भी यहाँ पर और बहुत सारे फैमिलीज आने हैं। इसकी कैपेसिटी मैं जानना चाहूँगा, किस तरीके से ये काम करता है? अभी तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 1600 फैमिलीज आ चुकी हैं, और आने वाले 2 साल में यहाँ पे 25,000 फैमिलीज आने वाली हैं। तो सच अ ह्यूज नंबर, तो कैन यू इमेजिन कि कितने वॉल्यूम में यहाँ पे गार्बेज होगा। एंड आई थिंक इट्स अ रियली सक्सेसफुल प्रोग्राम, और आने वाले समय में हमारे देश का जो एक अभियान चला रहे हैं मोदी जी, उसके साथ हम जुड़े हैं। और निश्चित रूप से अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, अगर और डेवलपर्स भी इसका ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक सुंदर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपने ही शुरुआत करी है, और भी आप इनिशिएटिव ले रही हैं इस चीज़ को लेकर? जितनी भी हमारी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत पहले बन चुकी थी, वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वहाँ पे लगाया जा रहा है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है इसके बारे में। इट्स नॉट ए इजी टास्क एक्चुअली, लोगों को समझाना कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, वो समझ नहीं पाते। समझाने में उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, हमारी टीम लगातार उनके साथ संपर्क में है कि वो समझें कि ये क्या प्रोग्राम है, इसको लगाएं, कितना एक अच्छा आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रह पाएंगे। तो ये प्रोग्राम मैं अपने स्कूल से चलाती हूँ, जो छोटे बच्चे जो प्रेप में भी हैं, इवन उनको भी ये प्रोग्राम दिखाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से। हमने वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी मशीन्स हम वहाँ नहीं लगा सकते थे, तो हमने वहाँ पे खंभे लगाए हैं, बच्चे स्कूल में जब भी अपना लंच करते हैं, जो भी उनका वेस्ट बचता है वो उसके अंदर डालते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपने वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पर आपने स्थापित किया है, और भी ऐसे कई डेवलपर्स हैं इस एरिया में, वो भी इसको अपनाएंगे, और जो एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो अभियान है, बहुत ज़ोर शोर से इस इलाके के ज़रिए शुरुआत होगी। हमसे बात करने आपको बहुत बहुत शुक्रिया।